मेरे देखेंगे, ये सपोर्टर हमारी आयशा, ये मुतीब और दादा। अरे दादी, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक और जीत, एक और विन हमारे नाम हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो एवरीवन, दिस इज अयान एंड वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। और मैंने जिस तरह आपको लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि आज हमारा मैच है UCL के अगेंस्ट, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के खिलाफ। उनसे हम पहले भी एक दफ़ा खेल चुके हैं, वो खेलने के लिए हम जो है लंदन गए थे, और लंदन बल्कि हम उनसे दो दफ़ा खेले हैं लंदन में, तो आज वो हमारे होम ग्राउंड पे आ रहे हैं। एंड आई एम वेटिंग फॉर मुतीब, मेरा बैचमेट और मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त, तो वो भी बस आएगा। हमने तैयारी करनी है, अपने बैग शैक बनाने हैं और फिर हम जाएंगे स्पोर्ट्स एरिना। एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट वन थिंग, वो ये है कि आई एम गोना शो यू स्पोर्ट्स एरिना ऑफ माई यूनिवर्सिटी। इट्स अमेजिंग, इट्स समथिंग वेरी अमेजिंग प्लेस। और कुछ मैं आपको मैच के सीन्स भी दिखाऊंगा मुतीब के खेलते हुए, शायद मैं अपने भी शॉर्ट्स लगा लूँ अगर मेरी किसी ने बना ली। मसला है मेरे को वीडियो नहीं बनाता ना खेलते हुए, या मतलब कहना पड़ता है, ये वो वाली बात है ना, हम दोस्तों को कहते हैं ना यार यार एक पिक्चर ले लेना, आप एंगल्स लेते हो, बड़ी अच्छी लाइट को भी देखते हो, बैलेंस करते हो, जब आपकी पिक्चर लेने का टाइम आता है यार कहता है अरे तूने क्या खर्च मारी है, मतलब इससे अच्छा था मैं खुद ही ट्राईपॉड पे लगा के खुद ही पिक्चर ले लेता। एनी हाउ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नेक्स्ट अब चलते हैं। एंड बस मुतीब बल्कि आने ही वाला है कि उससे पहले कि मुझे उसकी कॉल आ जाए, आई एम जस्ट गोना गो डाउनस्टेयर्स और बाकी की फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। हाँ जी, वेलकम बैक। सो नाउ गोइंग टू स्पोर्ट्स एरिना एंड आई हैव मुतीब विद मी। हेलो यार, इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों, मतलब इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों? ओके, ये अभी सो के उठा है, इसने नैप लिया है, पावर नैप, क्योंकि काम पे था ये। 5 मिनट का पावर नैप, 5-10 मिनट का ही होता है वो, इतना काफ़ी है। एरिना हेडिंग टू स्पोर्ट्स एरिना और बास्केट शीट रेडी है, उसने भी उठा लिया है। टीम हमारी जो है ना जी, ओपोनेंट वो हमसे पहले आ गए हैं और वो हमारा वेट कर रहे हैं। एंड बींग अ होस्ट बहुत बुरा है, बट कैप्टन ही नहीं है हमारा, उसको कुछ पता ही नहीं है, हमें वो क्या बताएगा। शोर है पीछे, चले मैं आगे जाके बात करता हूँ। यार इट्स लवली टुडे, और मसला ये कि यहाँ पे ना बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो धूप कम ही देखने को मिलती है। अब जो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स हैं कम ही होनी है वैसे धूप वाला या सनी डेज, सो मोस्टली इट्स रेनिंग हियर स्पेशली नेसिक्स। तो बाकी भाई मुझे तो बारिश नहीं पसंद, जो सीधी सी बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे ना दो किस्म के अब हम मैचेस खेल रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, एक लीग मैचेस हैं और एक कॉन्फ्रेंस कप है। कॉन्फ्रेंस कप का हम एक मैच जीत चुके हैं और लीग के हम 3 जीत चुके हैं। आज हमारा 4th मैच है और वी आर ऑलमोस्ट देयर, एरिना आ चुके हैं और ओपोनेंट्स हमारी टीम जो है ना वेट कर रही है। सो लेट्स सी। लेदर जी, स्पोर्ट्स एरिना हम पहुँच गए हैं और अब यहाँ पे हमने मैचेस होने हैं हमारे। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर मुतीब, वो अपनी वाटर बॉटल लेने गए दूसरे ऑफिस से, वो आते तो हम अंदर जा रहे हैं। सो विश अस बेस्ट ऑफ लक। ऑलराइट, सो नाउ वी आर इन हॉल और मैच स्टार्ट होने लगे। मेरे बैकग्राउंड पे टीम्स आ चुकी हैं और वार्म अप हो रहा है, और मेरे देखेंगे ये सपोर्टर हमारी आयशा, ये मुतीब और दादा। अरे दादा, दादा सबके प्यारे दादा। सो बस वार्म अप स्टार्ट करने लगे हैं एंड मैच इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन 5 मिनट्स, तो मैच के बाद अपडेट्स देता हूँ मैं। सो जी, डन विद फर्स्ट मैच, मुतीब अपना मैच पहला जीत गया है और मैं अपनी डबल जीत गया हूँ। पर सीन यहाँ पे ये होता है कि आपने ना अपने दो दो मैचेस जीतने होते हैं, नॉर्मली बेस्ट ऑफ 5 होती है या बेस्ट ऑफ 3 होती है और एक प्लेयर सिंगल या डबल खेल सकता है, बट यहाँ पे मैं अगर डबल्स खेल रहा हूँ तो मैं डबल्स ही खेलूँगा, मुतीब सिंगल्स खेल रहा है तो वो सिंगल्स ही खेलेगा। सो अभी हम अपना एक एक मैच जीत गए हैं, उसे भी अपना जीतना है मुझे भी, बट वो भी टोटल 4 होंगे। सो एक और मैच हमारे किसी और प्लेयर को जीतना पड़ेगा, क्योंकि हमारी टीम के जो प्लेयर्स हैं वो 7 हैं, तो मैच अगर आप देख रहे हैं तो ये भी हो ही रहे हैं, और उधर हमारी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स के मैचेस हो रहे हैं। सो या बाकी अपडेट थोड़ी देर बाद। हाँ तो जी, अपडेट से हैं मुतीब साहब, बताइए क्या हुआ आज का? मुतीब साहब ने पार्ट फूट दिया है, खड़ा करने में हम लोग तो माहिर हैं, गलत मतलब नहीं लेना, कोर्ट में खड़ा कर दिया, सांस उखाड़ दिया लोगों का, प्लेयर्स का।
तो जी आज अल्हम्दुलिल्लाह एक और जीत, एक और विन हमारे नाम हुई अल्हम्दुलिल्लाह। एंड कितने मैचेस जीत गए हम लोग? आई थिंक दैट वाज फोर्थ वन। तो सो फार इट्स गोइंग गुड। तो बड़ी भूख लगी है खुदा की कसम। मैं कहता हूँ हर वीडियो में ना एंड पे यही होना है, भूख का हाल लाजमी पता चलना है। भाई सुबह का नाश्ता किया हुआ, लेक्चर था, फिर इनके साथ मैच था, नाउ गोइंग बैक। मेहमान है ना मेरा, मैं इसके माँ बाप ने मेरे पे छोड़ा हुआ, अब इसको मैं खिलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, पका के भी दूँ और चीज़ें भी दूँ। तो अम्मी हूँ मैं तुम्हारी। सो और क्या था, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। और आई विल सी यू गाइस इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग न्यू। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।